हाँ तो मेरे मेहरबानों, चंदा कैसेट के माध्यम से आप सभी श्रोताओं की सेवा में पेश है किस्सा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ, किस्सा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेहरबानों, वैसे तो हमारे भारत देश में अनेक देवी देवताओं, सूफी संतों व महात्माओं ने जन्म लिया है और समय समय पर अपने कर्तव्य भी दिखाए हैं, लेकिन यह करुणा भरी कहानी उन महान पुरुषों व बुद्धिजीवियों की है जिन्होंने देश के इतिहास को नया मोड़ देकर अपना नाम रोशन किया। आज ऐसे ही महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कथा पेश है। महाराष्ट्र राज्य की महू छावनी में सूबेदार रामजी राव की धर्मपत्नी भीमाबाई ने अपनी कोख से भीमराव का जन्म दिया है। सारी महू छावनी में खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाई बट रही हैं और पिता खुशी में फूले नहीं समा रहे हैं। तो कवि ने इस कथा का किस प्रकार से वर्णन किया है? वैसे तो श्रोताओं, ये कथा दर्जनों कैसेटों में भी खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं चंदा कैसेट के माध्यम से कुछ खास खास बातों का वर्णन आपको बता रहा हूं, तो सुनिए इस भजन के द्वारा। अरे भीमा बाई ने जन्म्यो लाल, के भीमा बाई ने जन्म्यो लाल, घड़ी देखो नमो नमो घड़ी छाई, मंगलकारी रे भीमा बाई ने जन्म्यो लाल, घड़ी देखो नमो नमो घड़ी छाई, मंगलकारी रे भीमा बाई ने जन्म्यो लाल। और क्या हुआ? अरे सूबेदार पिता थे नामी श्री राम जी राव, सूबेदार पिता थे नामी श्री राम जी राव, अरे महू छावनी में जन्मे थे भीम राव, सद्भाव रहने पाई अंधियारी, भीमा बाई ने जन्म्यो लाल, घड़ी देखो नमो नमो घड़ी, मंगलकारी रे भीमा बाई ने जन्म्यो लाल। आज सुबह जब पिता रामजी राव ने ये खबर सुनी है कि घर में लड़के ने जन्म लिया है, तो दोस्तों उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और क्या हुआ? अरे बजने लगी बधाई, घर में छाई खुशी अपार, बजने लगी बधाई, घर में छाई खुशी अपार, अरे न्योछावर होए 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 न्योछावर है रही लाल पे है रही जय जयकार, मोदे ते मन महतारी, मोदे ते मन महतारी रे भीमा बाई ने जन्म्यो लाल, घड़ी देखो नमो नमो घड़ी छाई, मंगलकारी रे भीमा बाई ने जन्म्यो लाल। कोके उजरी भैये मात की जन्मो अनुपम लाल। देखिए आज
जन्म लेते ही भीमराव अंबेडकर के माता ने सोच लिया है कि अपने पुत्र को दलितों की सेवा में लगाना है, और क्या सोच रही है? अरे कोक उजरी भैया मात की जन्मो अनुपम लाल, अरे विद्या पढ़ के ऊपर उठ गयो करनी पड़ेगी को भात, दलित जन हितकारी रे भीमा बाई ने जन्म्यो लाल, घड़ी देखो ओए होए होए घड़ी छाई मंगलकारी रे भीमा बाई ने जन्म्यो लाल। आज भीमराव अंबेडकर धीरे धीरे 5 साल के हो गए हैं, लेकिन जिस समय उनको स्कूल में दाखिल किया गया तो स्कूल के मास्टर ने एक शर्त रखी थी उनके सामने, क्या कि आप कभी भी क्लास में बच्चों के साथ नहीं बैठोगे, सबसे अलग बैठोगे, और अगर पानी पीना है तो किसी से मांगकर पियोगे, आप नल के हाथ नहीं लगाओगे। इसी तरह की कई शर्तें थी भीमराव के सामने, लेकिन बड़ौदा के नरेश गायकवाड़ ने उनकी किस प्रकार से मदद की थी, क्या बताया? क्या बात? अरे गायकवाड़ नरेश बड़ौदा मदद दइए चितलाए, गायकवाड़ नरेश बड़ौदा मदद दइए चितलाए, अरे कोलंबिया विश्वविद्यालय दाखिल करो है उते जाए, रे बनो है विद्याधारी भीमा बाई ने जन्म्यो लाल, घड़ी देखो ओए होए होए घड़ी छाई मंगलकारी रे भीमा बाई ने जन्म्यो लाल। अरे बैरिस्टरे पास कर लेनी घूमे सब संसार, अरे बैरिस्टरे पास कर लेनी घूमे सब संसार, अरे भारत में आकर के उनने कियो है दलित उपकार, जगाए कोटिल नारी भीमा बाई ने जन्म्यो लाल, जगाए कोटिल नर नारी रे भीमा बाई ने जन्म्यो लाल, खुशी छाई नमो नमो खुशी छाई अच्छी सी बाई ने जन्म्यो लाल। हाँ तो मेरे मेहरबानों, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छोटे थे तो स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन उनको सबसे अलग बिठाया जाता था, और यहाँ तक के उनको पानी पीने के लिए नल को भी नहीं छूने देते थे। तो कवि ने उनके स्कूल टाइम का किस प्रकार से वर्णन किया है, आइए सुनाते हैं इस गीत के द्वारा। लागी बाबा को लगनवा कैसे सपरी, लागी बाबा को लगनवा कैसे सपरी, हाँ कैसे सपरी मेरे रामा कैसे सपरी, लागी बाबा को लगनवा कैसे सपरी, लागी बाबा को लगनवा कैसे सपरी। Thank you.
क्या हुआ, गए पाठशाला में पढ़ने, वहाँ अलग बिठलाए। भाई गए पाठशाला में पढ़ने, वहाँ अलग बिठलाए। अरे हैंड पंप ना छुए पानी को, सब मन में अकुलाए। देखो ढोंगिन को चलने वहाँ कैसे सपेरी, के देखो ढोंगिन को चलने वहाँ कैसे सपेरी, हो कैसे सपेरी मेरे रामा कैसे सपेरी। क्या लागी बाबा को लगन वहाँ कैसे सपेरी, के लागी बाबा को लगन वहाँ कैसे सपेरी। पढ़ने वाले सारे बच्चे पास नहीं बिठलाते, हाय हाय पढ़ने वाले सारे बच्चे पास नहीं बिठलाते। अरे तांगे पर भी ठोर मिले ना, जगह जगह ठकुराते। मन में सोचे हैं जतन वहाँ कैसे सपरी, के मन में सोचे हैं जतन वहाँ कैसे सपरी। अरे कैसे सपरी मेरे रामा कैसे सपरी, लागी बाबा को लगन वहाँ कैसे सपरी। भाई धन्य नरेश बड़ौदा वाले भीम राव बुलवाए, धन्य नरेश बड़ौदा वाले भीम राव बुलवाए। अरे कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने को बैठाए, वो भूले सारे ही दुखन वहाँ कैसे सपरी। अरे कैसे सपरी मेरे रामा कैसे सपरी, के लागी बाबा को लगन वहाँ कैसे सपरी, रे लागी बाबा को लगन वहाँ कैसे सपरी। बैरिस्टर बन भारत आए आकर दलित उभारे, के भैया बैरिस्टर बन भारत आए आकर दलित उभारे। अरे कानूनी मंत्री पद पायो संसद में ललकारे, सांची बाणी के बखन वहाँ कैसे सपरी, साची बाणी के बखन वहाँ कैसे सपरी। अरे कैसे सपरी मेरे रामा कैसे सपरी, क्या लागी बाबा को लगन वहाँ कैसे सपरी। नेहरू ने अपना कर तुमसे संविधान बनवायो, मारोगे। नेहरू ने अपना कर तुमसे संविधान बनवायो, हाय आरक्षण दलितों को दिनों भारी नाम कमायो। समता सूरज के खेलन वहाँ कैसे सपरी, समता सूरज के खेलन वहाँ कैसे सपरी। अरे कैसे सपरी मेरे रामा कैसे सपरी, के लागी बाबा को लगन वहाँ कैसे सपरी। और अंत में कवि ने क्या लिखा है,
जबरदस्त नहीं रुकेगा भीर नहीं रुकेगा भीम कारवां बढ़ता जाए अगाड़ी नहीं रुकेगा भीम कारवां बढ़ता जाए अगाड़ी अरे ऐसो जतन करो तुम भैया कहे दास हितकारी जाते के गाते रोशन हो मगनवा कैसे सपरी अरे कैसे सपरी मेरे भैया कैसे सपरी के लागी बाबा को लगनवा कैसे सपरी लागी बाबा को लगनवा कैसे सपरी हाँ तो मेरे मेहरबानों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संसद में दलितों के लिए बहुत से कार्य किए तो कवि ने बाबा साहेब के कार्यों का किस प्रकार से उल्लेख किया है और ये कार्य शोषित वर्ग कभी भी नहीं भुला पाएगा तो सुनिए इस गीत के द्वारा अरे शोषित जन की भीम राव ने खबर लई थी भाई संकट झेले अपने तन पे सारी उम्र बिताई शोषित जन की भीम राव ने खबर लई थी भाई संकट झेले अपने तन पे सारी उम्र बिताई भाई और क्या बताया अरे सदियों से जो दबे पड़े थे सदियों से जो दबे पड़े थे न्याय उन्हें नहीं मिलता था उनके मुखमंडल का यारो फूल कभी नहीं खिलता था रे उनके मुखमंडल का यारो फूल कभी नहीं खिलता था जमींदार न्यू रे 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 जमींदार बेगारे लेते फिर भी करी समाई संकट झेले अपने तन पे सारी उम्र बिताई बाबा साहेब ने हमेशा दलितों के लिए इतनी कड़ी मेहनत की कि कभी कभी तो उन्हें बिना भोजन के भी रहना पड़ता था क्या बताया भाई जानवरों की भांति हमेशा जानवरों की भांति हमेशा मेहनत करनी पड़ती थी रूखा सूखा भोजन मिलता काया निपट बिगड़ती थी ओ रूखा सूखा भोजन मिलता काया निपट बिगड़ती थी जोर जुलम को सहते सहते कमर झुकी थी भाई संकट झेले अपने तन पे सारी उम्र बिताई
जावाज भाई। अरे देखे दुर्दशा हाँ, देखे दुर्दशा बाबा के हृदय में दुख भारी था। करो मरो का बिगुल बजाया उनको हितकारी था। हाँ करो मरो का बिगुल बजाया उनको हितकारी था। दिया संग न्यू रे 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 रे। दिया संग अद्भुत शक्ति का ऐसी राह बताई। संकट झेले अपने तन पे सारी उम्र बिताई। कानूनी अधिकार दिलाए जागत सरल समाज किया। सदियों से पिसने वालों के सर का ऊंचा ताज किया। हो सदियों से पिसने वालों के सर का ऊंचा ताज किया। काया पलट गई सब ही की दिल में धीर बंधाई। संकट झेले अपने तन पे सारी उम्र बिताई। और आखिर में क्या लिख दिया कवि ने, संविधान के हाँ, संविधान के रचने वाले, संविधान के रचने वाले कोटि कोटि बलिहार तुम्हें दास हमेशा करता रहेगा। कर्तव्यों से प्यार तुम्हें अरे दास हमेशा करता रहेगा। कर्तव्यों से प्यार तुम्हें पार लगी मजेदार उन्हीं जो नाव हमारी तिरगी। संकट झेले अपने तन पे सारी उम्र बिताई। शोषित जन की भीम राव ने खबर लई थी भाई। संकट झेले अपने तन पे सारी उम्र बिताई। बाबा अंबेडकर ने गरीबों को किस प्रकार से गले से लगाया और सदा दलितों के हितों में कार्य किए, तो बाबा साहेब का एक दीवाना क्या गा रहा है। गरीबों को जिसने गले से लगाया, गरीबों को जिसने गले से लगाया, वो आया हमें बाबा याद आया। आया रे आया हमें बाबा याद आया। गरीबों को जिसने गले से लगाया, गरीबों को जिसने गले से लगाया, आए है आया हमें बाबा याद आया।
आया रे आया, भीम बाबा याद आया। बहुत अच्छे बस्ती जुल्म दली तो पे भारी, हो करते सदा जुल्म दली तो पे भारी, जमींदार बेगार लेते थे सारी, जमींदार बेगार लेते थे सारी। छुआ छूत को दूर जिसने भगाया, छुआ छूत को दूर जिसने भगाया, ओए हो आया हमें बाबा याद आया, आया रे आया भीम बाबा याद आया। स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के टीचर उनको नल के टोंटी से भी हाथ नहीं लगाने देते थे, क्या बताया। ओ नल की भी टोंटी को छूने न देते, नल की भी टोंटी को छूने न देते, गरीबों के बच्चों को पढ़ने न देते, गरीबों के बच्चों को पढ़ने न देते। हमें बाबा साहब ने पढ़ना सिखाया, हमें बाबा साहब ने पढ़ना सिखाया, ओए हाय आया हमें बाबा याद आया, आया रे आया भीम बाबा याद आया। और क्या हुआ अंत में, संविधान बनाया मेरे देश का, संविधान बनाया मेरे देश का, कोई भेद रखना ना था द्वेष का, हो कोई भेद रखा ना था द्वेष का, दलितों का मसीहा तू बाबा कहलाया, बाबा कहलाया, ओए हाय आया हमें बाबा याद आया, आया रे आया हमें भीम याद आया। गरीबों को जिसने गले से लगाया, गरीबों को जिसने गले से लगाया, ओए होए आया हमें बाबा याद आया। दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर देश के दलितों के मसीहा कहलाए हैं,
तो कवि ने किस प्रकार से उनकी प्रशंसा की है और क्या लिखा है, आइए सुनते हैं। डगमग नैया दलित जनों की कौन कहे थे बाबा भीम हमारे देश की आंख के तारे, थे बाबा भीम हमारे देश की आंख के तारे। डगमग नैया दलित जनों की कौन कहे थे बाबा भीम हमारे देश की आंख के तारे, थे बाबा भीम हमारे देश की आंख के तारे। मारोगे और क्या हुआ, ए, प्यासों को बाबा पानी पिलवाया, सबको मिल कर गले से लगाया, प्यासों को बाबा पानी पिलवाया, सबको मिल कर गले से लगाया। अंधविश्वास तजा है तुमने आप गुणी दुखी जन सदा निहारे, दिए उन सदा सहारे, दुखी जन सदा निहारे, दिए उन सदा सहारे। डगमग नैया दलित जनों की कौन कहे थे बाबा भीम हमारे देश की आंख के तारे, थे बाबा भीम हमारे देश की आंख के तारे। संविधान को तुमने बनाया, शाबाश भाई, ओ दलित जनों की पलटी काया, हाँ संविधान को तुमने बनाया, दलित जनों की पलटी काया। आरक्षण तुम ने दिलवा कर दलित कहे कुटिल जल तुमने तारे, जपे नित नाम तुम्हारे कुटिल जन तुमने तारे, जपे नित नाम तुम्हारे। डगमग नैया दलित जनों की कौन कहे थे बाबा भीम हमारे देश की आंख के तारे, थे बाबा भीम हमारे देश की आंख के तारे। धर्म के बने अनुगामी, शाबाश, तोड़ी सब जंजीर गुलामी, आए बौद्ध धर्म के बने अनुगामी, तोड़ी सब जंजीर गुलामी। पिछड़े जन के अधिकारन
को आप बड़े, आप बड़े करे हैं काम करारे, देश की आंख के तारे करे हैं काम करारे, देश की आंख के तारे डगमग नैया दलित जनों की, कौन कहे, कौन कहे कि बाबा भीम हमारे, देश की आंख के तारे ये बाबा भीम हमारे, देश की आंख के तारे। छुआछूत पे रोक लगाई, क्या बात भाई, ओ दंड व्यवस्था नीति बनाई, ओ छुआछूत पे रोक लगाई, दंड व्यवस्था बाबा नीति बनाई, मूक जनों को वाणी देकर कष्ट हरे, कष्ट हरे खोल दिए सबके द्वारे, के पढ़ रहे बच्चे प्यारे, खोल दिए सबके द्वारे, के पढ़ रहे बच्चे प्यारे, डगमग नैया दलित जनों की, कौन कहे, कौन कहे थे बाबा भीम हमारे, देश की आंख के तारे थे बाबा भीम हमारे, देश की आंख के तारे। और अंत में क्या कहा दोस्तों, क्या बात है, भीम कारवा बढ़ता जाए, दलितों के अब मन मुस्काए, बहुत अच्छे, ओ भीम कारवा बढ़ता जाए, दलितों के अब मन मुस्काए, मुन्नी लाल खलीफा दास कहे है, दास कहे है, ओए प्रीत जन तुम्हें पुकारे के जब लो चांद सितारे, प्रीत जन तुम्हें पुकारे है जब लो चांद सितारे, डगमग नैया दलित जनों की, कौन कहे, कौन कहे थे बाबा भीम हमारे, देश की आंख के तारे थे बाबा भीम हमारे, देश की आंख के तारे थे बाबा भीम हमारे, देश की आंख के तारे थे बाबा भीम हमारे। मेरे दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन भारत के दलितों के लिए संघर्ष में रहा, और बाबा साहब ने ही वो धर्म को चलाया, तो किस प्रकार से कवि ने इस गीत में बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में लिखा है, आइए सुनते हैं। बाबा साहब ने भारत में कष्ट बहुत सा झेला रे, नवजीवन दलितों को दीना कर संघर्ष अकेला रे, बाबा साहब ने भारत में कष्ट बहुत सा झेला रे, नवजीवन दलितों को दीना कर संघर्ष अकेला रे, बौद्ध धर्म की जय बोलो भीमराव की जय, बौद्ध धर्म की जय बोलो भीमराव की जय, बौद्ध धर्म की जय बोलो भीमराव की जय। ए बाबा साहब ने भारत में कष्ट बहुत सा झेला रे, नवजीवन दलितों को दीना कर संघर्ष अकेला रे, बौद्ध धर्म की जय बोलो भीमराव की जय, बौद्ध धर्म की जय बोलो भीमराव की जय। What is it?
मानवता से वंचित थे वो जालिम उन्हें सताते थे। हो अम्बा देवी का था मंदिर ना अछूत घुस पाते थे, मानवता से वंचित थे वो जालिम उन्हें सताते थे। बात बात में करते निरादर, बात बात में करते निरादर, बहुत लगावत में लारे, बाबा साहब ने भारत में कष्ट बहुत सा झेला रे। नवजीवन दलितों को दीना कर संघर्ष अकेला रे, बाबा साहब ने भारत में कष्ट बहुत सा झेला रे। थे जबरन बेगारे, मारे पीटे और ललकारे अपना अलग रोब झाड़े। जमींदार और पूंजीपति लेते थे जबरन बेगारे, मारे पीटे और ललकारे अपना अलग रोब झाड़े। न्यावनीत की ना जाने है, न्यावनीत की ना जाने, बस मच रही रे लंपे लारे। नवजीवन दलितों को दीना कर संघर्ष अकेला रे, बाबा साहब ने भारत में कष्ट बहुत सा झेला रे। नवजीवन दलितों को दीना कर संघर्ष अकेला रे। जब बाबा साहब बैरिस्टरी पढ़कर आए थे तो बम्बई हाई कोर्ट में आकर वकील के पद पर बैठ गए, लेकिन काफी दिन तक अछूत होने के कारण बाबा साहब को कोई केस नहीं मिला। तो क्या कवि ने कल्पना की है, बैरिस्टर पढ़कर जब आए सबने हंसी उड़ाई थी, हाई कोर्ट बम्बई में बैठे नफरत नजर समाई थी। ओ बैरिस्टर पढ़कर जब आए सबने हंसी उड़ाई थी, हाई कोर्ट बम्बई में बैठे नफरत नजर समाई थी। वहाँ पे कोई केस मिलेगा, वहाँ पे कोई केस मिलेगा, हाथ लगाना झेला रे। नवजीवन दलितों को दीना कर संघर्ष अकेला रे, बाबा साहब ने भारत में कष्ट बहुत सा झेला रे। नवजीवन दलितों को दीना कर संघर्ष अकेला रे। ओ फांसी का मिला केस करारा, सब डिसीजन ठुकराया था, अपील करता हुआ निराशा मन ही मन शरमाया था। फांसी का मिला केस करारा, सब डिसीजन ठुकराया था, अपील करता हुआ निराशा मन ही मन शरमाया था। करी पैरवी पहली बार में, करी पैरवी पहली बार में, जीता केस अकेला रे। नवजीवन दलितों को दीना कर संघर्ष अकेला रे, बाबा साहब ने भारत में कष्ट बहुत सा झेला रे। नवजीवन दलितों को दीना कर संघर्ष अकेला रे। क्या हुआ, ओ अभिनंदन जब उनका कीना जनता दिल में मान गई, आने लगे केस भी कठिन जब दुनिया उनको जान गई। अभिनंदन जब उनका कीना जनता दिल में मान गई, आने लगे थे केस कठिन जब दुनिया उनको जान गई। जय जयकार करें नर नारी, जय जयकार करें नर नारी, बंधा विजय का सेला रे, बाबा साहब ने भारत में कष्ट बहुत सा झेला रे। नवजीवन दलितों को दीना कर संघर्ष अकेला रे, बाबा साहब ने जीवन में कष्ट बहुत सा झेला रे। और अंत में क्या बताया दोस्तों, आगे कदम बढ़ाए थे, मंदिर में प्रवेश बंद था, सभी अछूत ठुकराए थे। ओ भूखे प्यासे रह करके
आगे कदम बढ़ाए थे। मंदिर में प्रवेश बंद था, अजूत जन ठुकराए थे। किया विकट संग्राम जहाँ, हाँ किया विकट संग्राम जहाँ, नासिक में लग गया मेला रे। बाबा साहब ने जीवन में कष्ट बहुत सा झेला रे, नव जीवन दलितों को दीना कर संघर्ष अकेला रे। बाबा साहब ने भारत में कष्ट बहुत सा झेला रे। बौद्ध धर्म की जय, बोलो भीमराव की जय। बौद्ध धर्म की जय, बोलो भीमराव की जय। बौद्ध धर्म मेरे मेहरबानों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था, लेकिन उन्हें फिर भी बौद्ध धर्म की चिंता लग रही थी और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बाबा साहेब को नेपाल जाना पड़ा। वहां सभा को समझाया, आज भी सारा नेपाल बौद्ध धर्म को बहुत मानता है। उसके बाद 5 दिसंबर 1950 में बाबा ने भगवान बुद्ध के धर्म को पूर्ण रूप देकर और बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। तो दोस्तों, कवि ने क्या कल्पना की है, आइए सुनते हैं। भारत के इतिहास को देखे सुंदर मोड़ चला हूँ, बौद्ध धर्म अपना के हिंदू धर्म को छोड़ चला हूँ। भारत के इतिहास को देखे सुंदर मोड़ चला हूँ, बौद्ध धर्म अपना के मैं हिंदू धर्म को छोड़ चला हूँ। बहुत अच्छे। बाबा साहेब ने आगरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और क्या कहा, ये 1956 की बात है। ओए जीवन भर संघर्ष किया मैंने, जीत के दिले निशानों से जन्म सिद्ध अधिकार दिला दिया छीन के बेईमानों से। जीवन भर संघर्ष किया मैंने, जीत के दिले इंसानों से जन्म सिद्ध अधिकार दिला दिया छीन के बेईमानों से। मजहब और शैतानों की थी, मजहब और शैतानों की बेड़ी को मैं तोड़ चला हूँ, बौद्ध धर्म अपना के हिंदू धर्म को छोड़ चला हूँ। बहुत अच्छे अंतराज। क्या हुआ भाइयों, कवि ने कितनी अच्छी लाइनें लिखी हैं। बोला बदबू रहेगी मुर्दों में, चाहे ढक दो फूल गुलाबों में, सम्मान कभी रे मिला नहीं मुझे राजा और नवाबों में। ओए बदबू रहेगी मुर्दों में, चाहे ढक दो फूल गुलाबों में, सम्मान कभी भी मिला नहीं मुझे राजा और नवाबों में। अरे नफरत भरी किताबों से सारांश निचोड़ चला हूँ, बौद्ध धर्म अपना के हिंदू धर्म को छोड़ चला हूँ।
हूँ मैं बौद्ध धर्म को धारण कर लो तुम। देश विशेष कले से दूर सब भ्रम रे दूर करो तुम। वही कहता हूँ मैं बौद्ध धर्म को धारण कर लो तुम। देश विशेष कले से दूर सब भ्रम को दूर करो तुम। अरे शरणाशील कर्म को करो तुम, शरणाशील कर्म को करो तुम। नफरत को मरोड़ चला हूँ बौद्ध धर्म अपना के हिंदू धर्म को छोड़ चला हूँ। भारत के इतिहास में देखे सुंदर मोड़ चला हूँ बौद्ध धर्म अपना के हिंदू धर्म को छोड़ चला। के बाबा भीम को जुड़ो है दरबार, दरबार में लाल रे लोहरे देवरिया। बाबा भीम को जुड़ो है दरबार, दरबार में लाल लोहरे देवरिया। बाबा साहेब की एक भगत अपने देवर से कह रही है क्या। अरे बुद्ध विहार आदर्श नामी, ये शहर आगे रम सरनामी। अरे बुद्ध विहार आदर्श नामी, हाय शहर आगे रम सरनामी। जाकू जाने सब संसार, संसार दिखा लारे लोहरे देवरिया। बाबा भीम को जुड़ो है दरबार, दरबार मिला ला लोहरे देवरिया। अरे बुद्ध के चरणन शीस नवाऊं, वही पंचशील जाकर अपनाऊं। जासू है जाए बेड़ा पार, अरे पार दिखा लारे लोहरे देवरिया। बाबा भीम को जुड़ो है दरबार, दरबार में लाल रे लोहरे देवरिया। बहुत अच्छे बस्तीराम, और क्या कह रही है अंत में। अरे किला आगरा एक पुराना, अरे वहां अंबेडकर पार्क सुहाना। अरे किला आगरा में एक पुराना, वहां अंबेडकर पार्क सुहाना। जाकी महिमा जाए देखे सब संसार, संसार मिला लारे लोहरे देवरिया। बाबा भीम को जुड़ो है दरबार, दरबार मिला ला लोहरे देवरिया। देश की आंखें तरसती रह गईं, देश की आंखें तरसती रह गईं। सूरज ढला अंधकार में बसती रह गई, देश की आंखें तरसती रह गई। क्या हुआ मेरे मेहरबानों,
आ गया सागर में एक तूफान सा, आ गया सागर में एक तूफान सा, दलितों की आवाज रोती रह गई, देश की आंखें तरसती रह गईं। रो रही थी आज बाबा बिन जमीन, रो रही रोती हुई भारत की धरती रह गई, देश की आंखें तरसती रह गई। जिसके करते थे हमेशा आरती, ओ जिसके करते थे हमेशा आरती, आज वो बेजान आरती रह गई, देश की आंखें तरसती रह गई, सूरज डला अंधकार में बसती रह गई। मेरे मेहरबानों, अंत में क्या कहा कवि ने, शाबाश भाई। रो रहे जिया लाल थे दोनों जहां, रो रहे जिया लाल थे दोनों जहां, भीम कुर्बानी बरसती रह गई, देश की आंखें तरसती रह सूरज ढला अंधकार में बसती रह गई, देश की आंखें तरसती रह गई। मेरे मेहरबानों, इस तरह बाबा साहेब का 5 दिसंबर 1956 को हम सबसे विदा लेकर भगवान को प्यारे हो गए। दोस्तों, मेरी भारतवासियों से प्रार्थना है कि इंसान जात पात से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से बड़ा कहलाता है, अतः हमें बाबा साहेब अंबेडकर से प्रेरणा लेनी चाहिए। बोल बाबा साहेब की, बोल बौद्ध धर्म की। ये प्रोग्राम हम आपको चंदा कैसेट के माध्यम से सुना रहे हैं और मेरी सभी श्रोताओं से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे द्वारा गाए गए रसिया भजन कीर्तन एवं अच्छे अच्छे किस्सों की रागनियां आप चंदा कैसेट के माध्यम से हर कैसेट विक्रेता के यहां से खरीद सकते हैं। और याद रहे कि हमारा असली फोटो या चंदा कैसेट का मार्का देखकर ही खरीदें। धन्यवाद।